अच्छा, अब इसकी मॉनिटरिंग करनी है। मॉनिटरिंग के लिए हमें दो सॉफ्टवेयर इसके इंस्टॉल्ड करने पड़ेंगे। पैकेजेस के अंदर आएंगे। अब मैंने रूल लगा लिए, इसने मुझे 100 MB से ज़्यादा बड़ी फाइल डाउनलोड नहीं करनी। चलो खैर कोई बात नहीं, कोई नहीं, टेंशन नहीं। हमारे कौन से इतनी बड़ी फाइल डाउनलोड, ये हाई परफॉर्मेंस वेब प्रॉक्सी होती है ये कैसे सर। अच्छा, एक तो हमने करना है जी लाइट स्पीड, एक स्पीड स्पीड है, एक लाइट स्पीड है, ठीक है। अगर स्पीड हो ये सारे जाके इसको वेब से रिसर्च करो, इसको नॉलेज मिल सकता है। हाँ मिल सकता है, ये नॉलेज लिखा हुआ है ना, ये किस मकसद के लिए शुरू किया। इसको यहीं पे क्लिक करो, ये आपको ले जाएगा साइट पे, वहाँ जाके आर्टिकल पढ़ लो इसके। ठीक है, रेडियस अगर आपको बताया ना, इसके अंदर भी रेडियस सर्वर बनता है। ये दो किस्म के रेडियस सर्वर इसने दिए हैं, ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है। अच्छा, लाइट स्पीड हमने कहना है, ये लाइट स्पीड है, देखो वो क्या करता है। ये नेटवर्क रिपोर्टर है, ठीक है, नेटवर्क की रिपोर्टिंग करता है। हाई परफॉर्मेंस वेब प्रॉक्सी रिपोर्ट, लाइट स्पीड प्रॉक्सी रियल टाइम डेट एस क्यू स्टेट रिक्वायर स्पीड HTTP प्रॉक्सी, ठीक है। ये प्रॉक्सी सर्वर की आपको रिपोर्टिंग करेगा। अब हम खोलेंगे, देखना इसके अंदर हम करेंगे। क्या नहीं, नहीं सिंगल सिंगल करना है, करना ये प्रॉब्लम करेगा। नहीं, हॉटस्पॉट तो बाई डिफॉल्ट फास्ट है, हॉटस्पॉट बाई डिफॉल्ट था, लेकिन सिर्फ अनेबल किया था। बता देता हूँ। अच्छा, ये इंस्टॉल हो गया। अब ये प्रॉक्सी रिपोर्ट के नाम से यहाँ से आ जाएगी मैन्यू इसके अंदर। अब इसके अंदर सबसे पहले इसको हमने अनेबल करना है। कहते जी लैंग्वेज कौन सी चाहिए, बल्गारियन चाहिए ना इंग्लिश चाहिए, ठीक है। कहते जी बार कलर ऑरेंज, ये आपने ऐसे छोड़ देना, ये भी IP के ऊपर छोड़ देना है। बस इसको आपने रिफ्रेश टाइम लगा देना। ये आप कहते हो यार दिन में 10 मिनट, हर 10 मिनट के बाद अपने आपको रिफ्रेश करो और मुझे रिपोर्ट दो, कौन बंदा क्या कर रहा है, ठीक है। ऑटोमेटिकली रिफ्रेश करेगा और फिर रिपोर्ट देगा आपको। एक दफ़ा फुल रिफ्रेश करना है, एक दफ़ा रिफ्रेश नाउ करना है, और फिर यहाँ पे जाके इसकी सर्विस भी आपने चलानी है, वरना आपको मॉनिटरिंग नहीं दे सकते। जाया नहीं कोई लड़का, यार अभी आना था लड़का, ने लड़के ने आना था तो जम्मू नहीं आना था। कौन सा वाला, इधर तो सारे लड़के हैं। हाँ, अच्छा आप देख लेते हैं हम के क्या रिपोर्ट भाई हमारे लिए बना रहे हैं। अच्छा, लाइट स्पीड रिपोर्ट यहाँ पे तैयार करो। अब मैं कुछ साइटें देखने लगा, ठीक है। अब ये साइटें हम देखेंगे उसके अंदर आ रही है कि नहीं, कहीं बाईपास तो नहीं मुझे किया हुआ, ये ना बाईपास किया हुआ मेरी रिपोर्ट में, और जा रही है ये मैं खोलना पड़ा। हाँ ठीक है, और एक्सेस कंट्रोल पे है, ब्लैक लिस्ट को खोल देता ना हम, ठीक है। अच्छा, ये उसको आ देता था, चलो जाते हैं। एक तो हम सर्विस रिस्टार्ट कर लें इसकी। ठीक है, सर्विस हो गई। अब मैं फाइल से देखने लगा हूँ, ठीक है। अब मैं एक डाउनलोडिंग भी लगाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी भाई, अच्छा ठीक, मैं आता हूँ। अच्छा जी, ये लाइट स्क्विड में आ जाओ, ये आज की रिपोर्ट है, डेट वाइज बनाएगा, ठीक है। आ जाए आ जाए, क्या हाल है भाई तेजम्मा। ये देखो, ये साइटें आपने खोली है ना,
कि नहीं खोली? ये मैंने गूगल खोला है, याहू खोला है। हाँ वो सारा यूआरएल देता है ना, एक दट एक मिनट ठहरो, साइटें फाइल इपो नहीं आई, फाइल इपो कभी देख लेते हैं। उसके बाद इसकी सर्विस एक दफ़ा मैं स्टॉप रिस्टार्ट कर, मौसम दरवाज़ा बंद कर दो बेटा, इसकी सर्विस ज़रा हमें करनी पड़ेगी दोबारा, क्योंकि ये कुछ देर के लिए है। अब ये देखो ये डाउनलोड, ये क्या लगाया आपने? सीसी क्लीनर किया। वो दफ़ा करो यार, क्यों पीछे पड़वाना मेरे, बहुत बुरी चीज़ है ये, बुरी चीज़ है, सिस्टम की मत मार देगा ये। अच्छा रिफ्रेश, रिफ्रेश नो, उसके बाद फिर आपने रिपोर्ट देखनी है इसकी, क्योंकि लॉग में से ये रिपोर्ट बनाता सारी आपके लिए। ये देखो फाइल इपो आ गई, उसकी लॉग में पड़ी होती है, लेकिन यहाँ पे वो उस वक्त दिखाता है जब आप उसको रिफ्रेश करते हो, अदरवाइज 10 मिनट के बाद खुद ही रिफ्रेश करके आप दिखा, यूज़र की सारी आई पी यहाँ पे दे रहे हैं, आई पी दे देगा, यहाँ पे सारे आई पी लिस्ट आपको दिखाएगा, हर एक यूज़र का अलग-अलग, जिस यूज़र के ऊपर करोगे पासवर्ड पे क्या है, खाली आईपी आएगा, किसके यूज़र ने पासवर्ड पे, ये यहाँ पे तो इसका दे रहा ना। हाँ तो उस जिस यूज़र ने जो जो साइट विजिट करी वो यहाँ पे दिखाएगा, उसके लिए नाम आ सकता है, किसका यूज़र नहीं, नहीं यूज़र का नाम नहीं आएगा यहाँ पे, यूज़र का नाम नहीं आएगा, वो सिर्फ साइटों का नाम आएगा कि ये आईपी है यूज़र का, उसने ये काम किया। हाँ यहाँ पे कर सकते हैं स्क्विड यूज़र एक्सेस रिपोर्ट, यहाँ पे फिर बना सकता है रिपोर्ट, आपको दिखा सकता है कि यूज़र के वाले से रिपोर्ट, ठीक है। तो ये रिपोर्ट जब बनेगी तो फिर आपके पास थोड़ा थोड़ा करके आएगी, आप इसको करते हो, लेकिन फिर भी उसने आईपी एड्रेस की बेस पे दिखाना है, नहीं करो। ये देखो टॉप साइटें जो देखी हैं इस यूज़र ने, वो ये है रिपोर्ट बना कर आया, ये सारी song.pk आपने देखा ना, हाँ ये आगे सारी। अच्छा अब एक चीज़ और काम करते हैं, मैं यहाँ पे इसकी ठहरे पहले सर्विसेज की ज़रा, ये रिपोर्ट आनी शुरू हो गई ना, और पूरे साल की रिपोर्ट देख सकते हो आप यहाँ पे, मंथ वाइज देख सकते हो, टॉप साइट्स कौन कौन सी मेरे नेटवर्क से देखेंगे उसकी रिपोर्ट देख सकते हो। अच्छा अब यहाँ पे सर एक्चुअली मुझे समझ नहीं लग रही, हाँ यूज़र जिस टाइम यहाँ पे तो इसके अंदर वो DHCP ऑन होती है ना, हाँ तो यूज़र जिस टाइम ऑन होगा तो उसको तो डिफरेंट IP मिलेंगे भाई, डिफरेंट IP आप उनको स्टैटिक कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा किस यूज़र का कौन सा IP है। नहीं वो स्टैटिक तो फिर मुझे हर यूज़र क्लाइंट पे जा एंड पे जाके मुझे IP देने पड़ेंगे, याद रख यार, अगर तो इसको यूज़ किया ना आपका, ठीक है यहाँ पे हर यूज़र नेम और उसका IP शो होगा आपके पास, मैक भी शो होगा अगर इसको आपने यूज़ किया, ठीक है तो हर एक का आ जाएगा इसमें। अच्छा अभी इसकी ज़रा सर्विस रिपोर्ट ज़रा चला लेते हैं, इसकी एक दफ़ा स्टॉप करते हैं, जब सर्विस स्टॉप हो जाती है ना तो ये रेड कर देगा इसको, जैसे रेड आप इसको रिस्टार्ट करो, इसके साथ ही हम कोई डाउनलोडिंग भी लगाएंगे जब इसकी ये हो जाए, कोई लंबी सी फाइल लेके लगाते हैं। हो गई स्टार्ट, अब मैं फाइल इपो से कोई लगा लेता हूँ फाइल, और देखना रियल टाइम आपको बताएगा कि क्या बंदा डाउनलोड कर रहा है इस वक्त बैठा। ये लग गई, अब आ जाओ इधर से, प्रॉक्सी रिपोर्ट, प्रॉक्सी स्टेट, ये HTTP कैन नॉट डेटा इनपुट, इसको पोर्ट का कोई आया हुआ, रियल टाइम 1.20 का प्रोसेस हुआ अननोन, और कहते 3.28 इसका मसला आता है इसकी वजह से, प्रॉक्सी
startschool.log, ठीक है। यार थोड़ा सा टाइम लेता था ये स्कूल स्टार्ट है रहा। लगी है बोर्ड